इर्द गिर्द घूम रहा है। ये कहीं नहीं खेल रहा वो का सुपर लीग में जाते कहीं नहीं खेल रहा सुपर लीग में कहीं मैच खेल रहा। इसके बाद बहुत शानदार मुकाबला होने वाला है, बता दें? नहीं अभी नहीं बताएंगे, थोड़ा इंतजार कीजिए। ये देखिए सुंदर टेकल भदोही के द्वारा ज्ञानचंद, अब वजन कुछ ज्यादा हो गया है, फुर्ती कम है, लेकिन खेलना शुरू किए तो भी सब कुछ होगा जी। नहीं एक अंक मिलेगा भदोही को। भदोही के खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, इस मैच के और से बहुत बढ़िया थाई होल्ड किया गया और वहां से तो खिलाड़ी छूट गया था, लेकिन और खिलाड़ियों ने साथ दिया, बहुत बढ़िया बढ़िया। अगला मैच अभी आएगा, हमको उम्मीद है कि गाजीपुर का मैच होने वाला होगा, जिसके लिए दर्शक यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। और ये देखिए, हाँ ये पहले नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ था पहले, अब हो रहा है। बहुत अच्छा बहुत सुंदर टेकल, बस साइड हो जाइए तो हम लोग बोलते रहे। बहुत अच्छा अंगद, और फाटेड है, और उधर भी सुपर टेकल ऑन है, तो कुछ भी हो सकता है। बढ़िया रेट, 8 नंबर के जर्सी में ये पकड़े गए, सुपर टेकल हुआ, 2 अंक मिलेगा कमालपुर को। बढ़ता हुआ स्कोर 2-2 का मुकाबला 4 के लिए। बढ़िया है, अब से भी हाथ अपनी जगह पर है, लेकिन खेल आप दिखाइए। और ये पकड़े गए, बहुत बढ़िया रेट सुंदर है। और इस तरह से 1 अंक मिलेगा भदोही को। ये सब प्रैक्टिस की चीजें हैं, विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होता है। और ये देखिए पकड़े गए, एक खिलाड़ी ने सामने से टैकल किया, दूसरा ने आपका पैर जाम किया, और इस तरह से 3 अंक मिलेगा 10 का मुकाबला 2 के लिए। ये मुकेश है, काफी दिनों बाद इनको हम ग्राउंड में देख रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए थे। अच्छा बहुत सुंदर, एक जमाना था
बहुत अच्छा रेड किया करते थे, लेकिन एक अंक मिलेगा इस मैच के बाद बजरंग हॉस्पिटल वाराणसी वर्सेस गाजीपुर, जो अपने जिले की टीम है। और उस मैच को देखने के लिए यहाँ पर दर्शक उपस्थित हैं, तो हम चाहेंगे गाजीपुर की टीम और वाराणसी की टीम दोनों टीमें तैयार हो जाएं। इस मैच के बाद वाराणसी वर्सेस गाजीपुर, ये गोलू है हाउसदार रेट, देखना कहाँ तक सफल हो पाते हैं। ये देखिए सुंदर पकड़, सब मिलाकर के प्रैक्टिस की जरूरत है। आप बगैर प्रैक्टिस का गेम में नहीं बने रह सकते हैं। ये देखिए सुंदर, बहुत बढ़िया रेट। ये मुकेश देखिए सुंदर है, अभी भी कुछ बाकी है इनमें। बहुत बढ़िया, चार का मुकाबला काफी पिछड़ गई है कमालपुर की टीम। जी हाँ, सुना सुना कुछ भी हो सकता है, बस केवल चलने की जरूरत है। बहुत बढ़िया रेट, और बिना अंक वापस। बिल्कुल बिल्कुल, गेम किसी के घर के थोड़ी है, जो प्रैक्टिस करेगा उसको मिलेगी। ये देखिए, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो मन चलेगा, शरीर नहीं चलेगी। मुकेश अब तक अच्छा रेट किए हैं, जो भी स्कोर बोर्ड पर स्कोर टका है उसमें से एक अंक केवल डिफेंस का है, बाकी सारा अंक किसका है। टच करने का दावा, जी हाँ राजेश जी, देखिए ये खेल भावना देखने को मिली थी जौनपुर में और प्रतापगढ़ में। एक बार ऐसा हुआ था कि प्रतापगढ़ के खिलाड़ी को टच किया था और ये सुंदर पकड़ आराम से, चला चला बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, अभी भी वापसी का बहुत समय है, अभी मध्यांतर ही नहीं हुआ है। मध्यांतर के बाद तो स्थिति धीरे धीरे साफ होना शुरू होती है, और बिना वापस ये भदोही है, कालीन नगरी से आए हैं लोग, ये है सेल्फ आउट हुए, लाइन कट हुआ, चला मुकेश जी चला, तो धीरे धीरे ही सही। और ये देखिए यहाँ पर बड़ा है कंफ्यूजन पैदा होता है, ये थर्ड रेड है डू और डाई, अब कुछ करना होगा। उड़ जा भाइयों, बहुत बढ़िया,
सुंदर रेड ताली बजाइए दोस्तों। अब हम कितना बताएं कि ये कितने लंबे हैं, आप खुद ही देखते हैं। लेकिन एक जो मूवमेंट बना हुआ था उस रिदम को बचा करके रखना पड़ेगा, अन्यथा बहुत अच्छा उठा के फेंक रहे। हाँ वो बता रहे हैं कि कमालपुर को कितनी जरूरत है, वो भले कमेंट कर रहे हो लेकिन वो बता रहे हैं कमालपुर को कितनी जरूरत है। छोटा पैकेट बड़ा धर्म नहीं तो यही ये वही दर्शक है जब कमालपुर की टीम हारती थी तो हाथ में लगते थे। और देखिए एक अंक मिल गया, बोल दे चला गोल गया चला। और ये देखिए कितना बड़ा बोनस वाला है। और ये हाँ ये सही है, आप पकड़े आप पकड़े हैं, अच्छी बात है। उठा के फेंक दो खेल कंधों पर जिम्मेदारी लेना होगा मुन्ना। के कर लिया क्या कहता है बहुत अच्छा बोनस आप इसके बाद भी बहुत अच्छा रेट बहुत बढ़िया रेड। लेकिन बिना आंख वापस ठीक है दर्शक है कुछ तो करेंगे वो इसीलिए आए हैं। नदिया में फेंक दे नदिया में और बोनस लेने की कोशिश बिना एक वापस तो संभवता हंड्रेड एंड टू अटाइन बहुत बढ़िया। यहाँ पर नदी में कुछ करने की जरूरत है कमालपुर को। नदी में फेंको मुन्ना बाबा खड़े हैं नदी धराव नदी। आपको कोई रिक्स लेने की जरूरत नहीं है जी। एक एक मिल गया और इधर से भी थर्ड रेड होगा। बहुत बढ़िया बढ़िया सुंदर एंकल होल्ड बढ़िया सपोर्टर के द्वारा फेंका फेंका उठा के फेंका नदिया में फेंक दा। बहुत बढ़िया नदी 50 मीटर मैं मजा इधर बताओ एक लाइटिया बंद कर दो सर वही मैं एक घुमाओ तो वो मले लाइटिया बंद ठीक चला दिया। हाँ ठीक है विशेष व्यवस्था की जरूरत नहीं है सारे खिलाड़ी एक समान है। अब उसमें कोई कहे कि नहीं हमको विशेष चाहिए तो वो चीजें अच्छी भी नहीं है। फेंक दे जा नदिया में 5 मिनट है। हाँ ठीक है कन्हैया बैठा बैठा दर्शक कमा जाए समझ मर्द आटो जा नदी में फेंकाई हो मर्द और चुपचाप रह जाए तन उन लोग को सुना जा विश्वास का बोला करना जा। इस मैच के बाद गाजीपुर वर्सेज वाराणसी
ये थर्ड रेड है डू ऑर डाई रेड अब तक थर्ड रेड का फायदा नहीं उठा पाई है कमालपुर की टीम पांच मिनट 8-19 स्कोर तो सब बड़ा कितना दो अंक मिलेगा जी हाँ दो अंक आगे ना कही तो इन दो अंकों के साथ दहाई में पहुंचता हुआ स्कोर कढ़ाई में फेंका कढ़ाई में बहुत अच्छा अच्छा दर्शक बंधु पूरा आनंद लेते हुए खून गरम हो गई बाबू और सुंदर कैच लाजवाब ये 10 नंबर का खिलाड़ी कॉर्नर का एकदम चीते की तरह कमर पे कूद गया और उस खिलाड़ी को एक इंच भागने का मौका नहीं दिया। अंतिम 4 मिनट पकड़ लिया तो 100 रुपया अच्छा अच्छा तो जा खड़ा बड़ा तो पकड़ ही बेना करिया हाँ देखिए नहीं ये कभी अच्छे खिलाड़ी हुआ करते थे लेकिन फिर बाद में न रहा है जमाना किसी का न रहेगा सिपाही हो गए बस जब आप मैच का मजा ले रहे हैं दर्शक को लेने दीजिए भाई मैच तो इसीलिए कराया गया है ना ये थर्ड रेड है डू अ डायरेक्ट हाँ ये देखिए एक अंक मिलेगा तीन मिनट अंतिम 3 मिनट हाँ कुछ हो सके भैया बहुत अच्छा और ये देखिए सुंदर टेकल और इस तरह से 3 अंक मिलेगा और मैच समाप्त हो गया अब अगली टीम गाजीपुर और वाराणसी